सुप्रभात छात्रों, कक्षा 7D विषय संस्कृत। आज मैं प्रथमा पाठ अस्माकं देशा के बारे में पढ़ाने जा रही हूँ। तो जितनी भी आवश्यक बातें होंगी, जैसे शब्दार्थ, उपसर्ग, प्रत्यय, मूल धातु आदि साथ साथ बतलाई जाएंगी। प्रथमा पाठ अस्माकं देशः, अस्माकं देशः भारतम्, अस्माकं गौरवम् अस्ति। अस्य प्रचीनं नाम आर्यावर्तः आसीत्। विश्वस्य प्रचीनतमा संस्कृति भारते एव जीवति। भारतस्य उत्तरदिशि हिमालयमुकुटम् इव शोभते। दक्षिणदिशि सागरस्य नीलं जलं च अस्य चरणौ क्षाल्यति। तो अस्माकं देशः भारतम् अस्माकं गौरवम् अस्ति। अस्माकं का अर्थ होता है हमारा। इसमें मूल शब्द है अस्मद्। अस्माकं षष्ठी विभक्ति के बहुवचन में रूप है। इस तरह से इसका अनुवाद हमारा देश भारत हमारा गौरव है। अस्य प्राचीनम नाम आर्यावर्ता आसी। आर्यावर्ता ये देश का नाम है। तो प्राचीन काल में इसका नाम आर्यावर्त था। विश्वस्य प्राचीनतमा संस्कृति भारते एव जीवति। विश्वस्य विश्व का प्राचीनतमा सबसे पुरानी संस्कृति संस्कृति होता है। भारते भारत में एव ही जीवति जीवित है। तो विश्व का सबसे प्राचीन पुराना संस्कृति भारत में ही जीवित है। भारतस्य उत्तर दिशि हिमालय मुकुटम इव शोभते। उत्तर दिशि सभी जानते हैं उत्तर दिशा होता है। मुकुटम मुकुट की इव भांति तरह शोभते सुशोभित है। तो भारत के उत्तर दिशा में हिमालय मुकुट की तरह सुशोभित है। दक्षिण दिशि सागरस्य नीलम जलम च अस्य चरणौ क्षाल्यति। और दक्षिण दिशा में सागर का नीला जल इसके चरणों को धोता है क्षाल्यति धोता है। भारते ग्रीष्म वर्षा शरत हेमंत शिशिर वसंतश्च षट ऋतुवा भवन्ति। तो भारत में भारते सप्तमी विभक्ति के एक वचन में रूप है। सप्तमी विभक्ति का चिन्ह होता है में। भारत में गर्मी वर्षा सर्दी हेमंत शिशिर और वसंत छह ऋतुएं होती हैं। इते भारतस्य प्रकृति सौंदर्यम वर्धयन्ति। इते यानी ऋतुओं के लिए प्रयोग किया गया है। ये भारतस्य भारत की प्राकृतिकम प्राकृतिक सौंदर्यम सुंदरता को वर्धयन्ति बढ़ाते हैं। ये भारत की प्राकृतिक सौंदर्य को बढ़ाते हैं। भारतस्य शस्य श्यामलम रमणीयम नवम नवम मनोरंजकम रूपम जनानाम चितम आकर्षति। तो शस्य श्यामलम फसलों से हरा भरा, रमणीयम सुंदर, नवम नवम नया नया, मनोरंजकम रूपम मनोरंजक रूप, जनानाम लोगों के, चितम मन को आकर्षति आकर्षित करता है। तो भारत के फसलों से हरा भरा रम्य और सुंदर नए नए मनोरंजक रूप लोगों के मन को आकर्षित करता है। वैदेशिका अपि भारत वसुधाय सौंदर्यम दृष्ट्व प्रसन्ना भवति। वैदेशिका विदेशी, अपि भी वैदेशिका यानी विदेश में रहने वाले लोगों के लिए प्रयोग किया गया है। तो विदेशी अपि भी भारत वसुधाय, भारत वसुधाय भारत की भूमि की सौंदर्यम सुंदरता को दृष्ट्वा देख करके
प्रसन्न भवन्ति, खुश होते हैं। तो विदेशी भी भारत की भूमि को की सुंदरता को देखकर प्रसन्न होते हैं। अस्माकं देशा अनेक गुणय संपन्ना वर्तते, अनेक गुणय अनेक गुणों से संपन्ना संपन्न वर्तते है। हमारा देश अनेक गुणों से संपन्न है, युक्त है। एषा ज्ञान भूमि, पुण्य भूमि, धन भूमि, कर्म भूमि च इति नाना पद प्रसिद्ध। एषा यह एतत् का पुल्लिंग रूप है, प्रथमा विभक्ति के एक वचन में है। ज्ञान भूमि, पुण्य भूमि, धर्म भूमि और कर्म भूमि इति नाना पद, इस प्रकार अनेक पदों से प्रसिद्ध प्रसिद्ध है। अत्रैव ज्ञानस्य प्रथमा उदय अभवत्। अत्रैव इसका संधि विच्छेद अत्र जोड़ ए होगा। ज्ञानस्य ज्ञान का प्रथमा उदय, प्रथम उदय अभवत् हुआ, यही ज्ञान का प्रथम उदय हुआ। अत्र बहुवा देव पुरुष चिकित्सक, गणितज्ञ, दार्शनिक, वैज्ञानिक, कौया, नाटककार च आजायन्त। यहाँ बहुत से देव पुरुष चिकित्सक, गणितज्ञ यानी गणित की जानकारी रखने वाले, दार्शनिका दार्शनिक, वैज्ञानिका वैज्ञानिक, कौया कवि, नाटककार च और नाटक कर आजायन जन्म लिए हैं। यहाँ बहुत से देव पुरुषों, चिकित्सकों, गणितज्ञ, दार्शनिक, वैज्ञानिक, कवि और नाटककारों का जन्म हुआ है। यद्यपि अत्र जनानां विविधा भाषा, वेशा, भूषा, धर्मा, संप्रदाय च सन्ति। यद्यपि संधि विच्छेद यदि जोड़ अपि होगा। अत्र यहाँ जनानां लोगों का विविधा भाषा, भिन्न भिन्न भाषाएं, वेशा वेश, भूषा पहरावा, धर्मा धर्म, संप्रदाय च, और संप्रदाय का होता है भिन्न भिन्न विचारों मतों वाले लोग संति हैं। यद्यपि यहाँ लोगों की भाषाएं अलग अलग हैं, पहरावा अलग है, रहन सहन अलग है, धर्म अलग है और विभिन्न प्रकार के विचारों मतों वाले लोग रहते हैं, तथापि जनेषु एकतायामपि, सॉरी, तथा जनेषु अनेकतायामपि एकताया शीतला स्नेह धारा प्रवहति। तथापि संधि से तथा जोड़ अपि, जनेषु लोगों में, अनेकतायाम अपि, अनेकतायाम जोड़ अपि, एकताया एकता का शीतला धारा, शीतल धारा प्रवहति बहती है। फिर भी लोगों में अनेकता में भी एकता का शीतल प्रेम धारा बहती है। वयम सर्वे भारतीया एकम राष्ट्र ध्वजम नमामः, एकामेव च राष्ट्र गानम गायामः। वयम सर्वे हम सभी, भारतीया भारतीय, एकम राष्ट्र ध्वजम एक राष्ट्रीय झंडे को नमामः प्रणाम करते हैं। एकम एव च राष्ट्र गानम गायामः, एकमेव एकम जोड़ एव एक ही च का, और राष्ट्रगानम राष्ट्रीय गीत गायामः गाते हैं, और एक ही राष्ट्रीय गीत गाते हैं। इदम भारत राष्ट्रम वंदनीयम अस्ति। इदम यह, इदम इसका मूल शब्द इदम ही होता है, और इदम शब्द नपुंसकलिंग प्रथमा और द्वितीय विभक्ति के एक वचन में है। तो इदम का अर्थ होता है यह, भारत राष्ट्रम भारत राष्ट्र को वंदनीयम अस्ति, वंदनीय है, यह भारत राष्ट्र वंदनीय है।
अस्य विकासः प्रगतिः च अस्माकं महत्वपूर्णं कर्तव्यम् अस्ति। अस्य विकासः इसका विकास, प्रगतिः च और प्रगति अस्माकं हमारा महत्वपूर्ण कर्तव्यम् अस्ति, कर्तव्य है। इसका विकास और प्रगति हमारा महत्वपूर्ण कर्तव्य है। धन्य अस्माकं भारतम्, अतः वयं भारत जनाः धन्या। धन्या है हमारा भारत, अतः इसलिए वयं हम सब भारत जनाः धन्या, भारतीय लोग भी धन्या है। धन्या है हमारा भारत, इसलिए हम भारत के लोग भी धन्या है। अस्माकं भारत जनानां सत्य एवं निष्ठा। भारत जनानाम, भारत के लोगों का सत्य सत्या में एवं ही निष्ठा, यानी हमारे भारत के लोगों में सत्य और निष्ठा है, सत्या में ही निष्ठा है। वयम नित्यम भारतम एवं स्मरामा। हम सब नित्य भारत को ही याद करते हैं। भारतम एवं अस्माकं जीवनम। भारत हमारा जीवन है। शब्दार्थ देख लेंगे। एव ही इव की तरह, वर्धयन्ति बढ़ाते हैं, इते ये, वर्तते है, इति ऐसा, स्नेह धारा प्रेम की धारा, कर्तव्यम करना चाहिए, संधि विच्छेद वसंतश्च वसंतः जोड़च, अत्रैव अत्र जोड़ एव, यद्यपि यदि जोड़ अपि, तथापि तथा जोड़ अपि, एकमेव एकम जोड़ एव, धातु प्रत्यय दृष्ट्वा दृश धातु अक्त्वा प्रत्यय, कर्तव्यम क्री धातु तव्यक् प्रत्यय, शब्द विभक्ति वचनम लिंग, अस्माकं षष्ठी बहुवचन स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग पुलिंग, ज्ञानस्य षष्ठी एकवचनम नपुंसकलिंग, एकताया षष्ठी एकवचनम स्त्रीलिंग, वसुधाया षष्ठी एकवचनम स्त्रीलिंग। अपूर्ण वाक्येन उत्तरत्, कः भारतस्य प्राचीनं नाम आसीत्? भारतस्य प्राचीनं नाम आर्यावर्तः आसीत्। ख के भारतस्य प्राकृतिकं सौन्दर्यं वर्धयन्ति? वैदेशिका भारतस्य प्राकृतिकं सौन्दर्यं वर्धयन्ति। ग अस्माकं देशः कः पदे प्रसिद्ध? अस्माकं देशः ज्ञानभूमि पुण्यभूमि धर्मभूमि कर्मभूमि च इति पदे प्रसिद्ध। घ अत्र के आजायन्? अत्र देवपुरुषा चिकित्सका गणितज्ञ कव्य दार्शनिका वैज्ञानिका नाटककारा च आजायन्। अंगा वयं सर्वे भारतीया कं नमामः? वयं सर्वे भारतीया राष्ट्रध्वजं नमामः। इसे आप लोग पढ़ लेंगे और जितने भी अभ्यास के प्रश्न हैं उसको हल करके रख लेंगे। तो लाइव है, लाइव क्लास भी लेता है।